जो फूलों का गुलदस्ता होता है बुके, उसको ज्यादा दिन तक स्टोर कैसे करके रख सकते हैं वो पापा बताएंगे। तो पापा बताएंगे आप लोग फूलों का जो गुलदस्ता है उसको ज्यादा फ्रेश कैसे रख सकते हैं, ज्यादा दिन तक चले, आपको एक दिन नहीं दो दिन नहीं 8 दिन से 10 दिन तक आप कैसे चला सकते हैं उसके लिए, तो चलिए आप लोगों को दिखाते। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत आप यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है समर्थ और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल समर्थ ऑल थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड को। और इधर हमारे साथ हैं सैफ गिरीश दुबे और आगे की टिप्स हमारे पापा सैफ गिरीश दुबे ही शेयर करेंगे, तो चलिए देखते हैं उनसे पूछते हैं। तो चलिए बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे फ्लावर को बुके को स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए आप लोग हम बताएंगे कि जो क्या देखिए हमने फ्लावर लिए हैं और इनके लिए कि आप ज़्यादा दिन तक किस तरीके से आप 1 हफ्ते 10 दिन इस फूल को फ्रेश रख सकते हैं और आपका गुल जो कि आप गुल बनाएंगे तो वो सुंदर कैसे दिखे। देखिए हमने 2-3 बीटरूट काट के डाले, नीचे रेड हो गया, एक गुलाब के फूल डाल दिए गिलास में, सिंपल गिलास में बना रहा हूँ मैं और बुके सिंपल गिलास में बना के दिखाऊंगा। और ये फूल जो आपको दिखा रहा हूँ फ्रेश फूल नहीं है, ये फूल करीब 8 दिन पुराने हैं और ये आप लोगों बता रहा हूँ मैं, ये जो कि फूल हैं 8 दिन पुराने फूल हैं और इन फूलों के लिए 8 दिन से हमने रख रखे हैं और ये काफ़ी दिन, ये देखिए 8 दिन से रखे हुए थे, अब 8 दिन के बाद इसका आपको दिखा रहा हूँ 8 दिन तक हमने कैसे फ्रेश रखे। इसका हमने डेली पानी चेंज कर देते, ऊपर से पानी डाल देते, फिर इसको हम सही करके रख देते थे। ये 8 दिन हो गए फूल के लिए, आपको लग रहा है 8 दिन पुराने फूल है? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन 100% 8 दिन पुराने फूल है। ये आप जब करेंगे इसको ठंडी जगह पर रखना है, गर्म जगह पर बिल्कुल भी नहीं रखना है, जहाँ आपका ठंडा हो एरिया, जिसमें अगर आप एसी लगा चलाते हैं कमरे में उसमें रखें, खैर ठंडी के टाइम पे तो आपका काफी दिन तक चलेगा। तो इस तरीके से ठंड के टाइम पे तो टेंशन नहीं कहीं पे भी रखने की। तो ये हमारा जो कि है ये 8 दिन पुराने फूल हैं और 8 दिन के बाद भी ये कम से कम 5 दिन हमारे पास चलेंगे, तो मैं इस बुके को 15 दिन तक चला सकते ऐसे ही फ्रेश करके। तो बस रोज थोड़ी सी, ये देखिए इस तरीके से हमने ये बुक्का बना लिया, ये देखिए और ये रेडी कर लिया। इसको हमने अच्छे से डेली पानी चेंज करता हूँ, इसका पानी मारता हूँ फूलों पे और इसको थोड़ी देर ठंडे में रखता हूँ और फिर बाहर निकाल देता हूँ, तो ये फूल हमारे एकदम फ्रेश रहते हैं। और इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, देखिए ये आपको सूखे हुए भी फूल दिख रहे होंगे कुछ थोड़े बहुत, ये वाइट वाले, ये इसको आप 8 से 10 दिन तक आराम से चला सकते हैं। और अगर आपको कोई से येलो से फूल दिखते हैं तो आप उसको हल्का सा तोड़ दीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से आप लोग ये गुलदस्ता बना सकते हैं बुके, और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और ये मेरे ऑफिस में 10 दिन तक, 10 से 12 दिन तक रखा रहा है ऐसे ही, ऐसे के ऐसे ही था, ये देखिए। और किसी को गिफ्ट देने के काम आ सकता है? नहीं गिफ्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन इसको आप अपने आपस में या घर पे मिला हो तो उसको स्टोर करने का काम आ सकता है। हाँ ये आपको बुके मिले हैं, आप घर पे ले आके इस तरीके से बना के रख सकते हैं नहीं। और आपका 8 दिन तक चलेगा ये, अगर आप वैसे बुके को रखते तो वो 1 दिन में खराब हो जाता है, तो इसको आप 8 दिन तक चला सकते हैं इस तरीके से बना लोग बना सकते हैं। और ये 12 दिन तक, 10 से 12 दिन तक आप ऐसे ही रख सकते हैं और देखिए कितने सुंदर एकदम फ्रेश फूल दिख रहा है। 5 मिनट पे हटा दियो, और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं, वेरी नाइस, यो एकदम फ्रेश फूल दिख रहा है। और इस तरीके से आप लोग बुक्का बना सकते हैं। और हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये देखिए फूल मुरझाए हुए, हमने बताया था 8 दिन पुराने ही हैं, ये रोज भी हल्के हल्के से पत्ती ब्लैक हो रहे हैं, देखिए ब्लैक वेन में आ रहे हैं हल्के हल्के।